हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के बारे में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इंटरफेज के 3 सब फेजेस एंड माइटोसिस के 4 सब फेजेस के बारे में हमने कवर कर लिया है। नाउ अब बारी आती है उसका चेक पॉइंट्स का, मीन्स उसको कैसे रेगुलेट करते हैं कि सेल साइकिल में कोई अगर खराबी आई तो उसको रेगुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेल साइकिल चेक पॉइंट। अभी चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट ऐसा प्लेस है इन अ सेल साइकिल जहाँ पे सेल साइकिल को एक बार चेक किया जाता है कि जो जो मटेरियल चाहिए, जितना कंटेंट चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसको आगे पास किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ गेट। तो अगर वो मटेरियल उसके पास है तो उसको आगे जाने दिया जाता है, और अगर नहीं है तो वहाँ पर सेल साइकिल कुछ समय के लिए हॉल्ट हो जाता है एंड उस गलती को सुधारता है, एंड अगर सुधार पाता है तो आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता तो सेल साइकिल वहीं पे उसको उस सेल को डिस्ट्रॉय कर जाता है। अभी ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज क्या होता है, अगर एक भी सेल अगर फॉल्टी सेल है, अगर वो जनरेशन डिवाइड हुआ सो इट विल लीड्स टू अ फॉल्टी सेल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से सेल में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए सेल साइकिल को रेगुलेट करना सेल साइकिल से भी इम्पॉर्टेंट काम है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ना जाए। सो इसके लिए सेल में बेसिकली 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। वन इज G1 चेक पॉइंट, सेकेंड वन इज G2 चेक पॉइंट एंड थर्ड वन इज स्पिंडल चेक पॉइंट। अभी ये G1 चेक पॉइंट है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है G1S ट्रांजिशन पे, मीन्स G1 और S इस ट्रांजिशन पे, या तो यहाँ पर एक गेट होता है जो पहला चेक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं G1 चेक पॉइंट्स। सेकेंड चेक पॉइंट्स G2 चेक पॉइंट, ये कहाँ होता है? इट इज अ G2M ट्रांजिशन पे, तो जहाँ पे G2M में आता है सो यहाँ पर दूसरा चेक पॉइंट होता है। एंड द थर्ड वन इज अ स्पिंडल चेक पॉइंट, ये कहाँ पर होता है? ये होता है एनाफेज में, जो माइटोसिस का एनाफेज है वहाँ पर ये चेक पॉइंट वहाँ पे चेक किया जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो प्रॉपर से अटैच हुआ है या नहीं। तो ये 3 चेक पॉइंट है, इनका 3 लोकेशन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ देम कि वहाँ पर क्या क्या चेकिंग किया जाता है। सो द फर्स्ट चेक पॉइंट इज अ G1 चेक पॉइंट, जिसको हम लोग G1S ट्रांजिशन ही बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाता है सेल की साइज़ का, कि सेल का साइज़ इनफ लार्ज है कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो पहले उसका चेक करते हैं कि उसका साइज़ कैसा है। साइज़ इनफ होना चाहिए कि वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड करे, अगर ऐसा होगा तभी सेल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट चेक करते हैं कि द न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर फॉर डिवीज़न वो उसके पास है या नहीं। वो जो ATP चाहिए, जो सारे एंजाइम्स चाहिए, वो रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है उस सेल में है या नहीं। अगर होगा तभी सेल G1 से S फेज में जाता है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर सिग्नल। ये मॉलिकुलर सिग्नल क्या होता है? देयर आर सम एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स या फिर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनसे उसको सिग्नल मिल रहा है या नहीं, तो ये सिग्नल भी चेक किए जाते हैं। एंड द लास्ट में DNA की इंटीग्रिटी चेक की जाती है कि DNA इंटैक्ट है या ब्रोकन है। तो ये 4 चीज़ें सबसे पहले G1 फेज में चेक की जाती है। नंबर 1 सेल का साइज इनफ है या नहीं वो चेक करते हैं। सेकंड उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपरली है या नहीं, रॉ मटेरियल जितने भी ATPs चाहिए, जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट उसको मॉलिक्यूलर सिग्नल मिल रहा है नहीं, एंड लास्ट में DNA इंटीग्रेट मीन्स उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि वो इंटैक्ट है या ब्रोकन तो कहीं पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब पास होती है देन सेल मूव्स फ्रॉम G1 टू S फेज। अब S फेज में क्या होता है, जो DNA मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि दो में डिवाइड करना है तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद नाउ सेल इंटर्स इंटू G2 फेज, एंड जब G2 फेज में भी M फेज के लिए जो प्रिपरेटरी एंजाइम्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है, यहाँ पर बनती है। एंड देन व्हेन जब सेल G2 से M में जाता है तो यहाँ पर चेक पॉइंट होता है, विच चेक पॉइंट इज ए G2 चेक पॉइंट, जिसको हम लोग G2M चेक पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज ये G2M ट्रांजिशन होता है, इसके बीच में पाया जाता है। ना यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, DNA रेप्लिकेशन को चेक करते हैं कि जो DNA रेप्लिकेशन S फेज में हुआ वो प्रॉपर हुआ या नहीं। तो सबसे पहला काम चेक करते हैं कि DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ या नहीं, एंड सेकेंडली उसकी इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि ये इंटैक्ट है
जो डीएनए है वो इंटैक्ट है, कहीं से ब्रोकन तो नहीं, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जी टू फेस में चेक किया थी। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन में अगर थोड़ा माइन्यूट चेंजेस होते हैं, मीन्स माइन्यूट एरर होते हैं, तो वहाँ पर ही सेल साइकिल हॉल्ट की जाती है एंड इसको डीएनए डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, उन मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं उसको वहाँ पर रिपेयर किया जाता है। अगर रिपेयरमेंट पॉसिबल नहीं होता, ज़्यादा डैमेज है, देन सेल अल्टीमेटली लीड्स टू एपोप्टोसिस और उसको वहीं पे क्या कहता है, उसको किल कर दिया जाता है। मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज, अगर सेल में कुछ खराबी है तो उसको ठीक करते हैं तभी आगे भेजते हैं, नहीं ठीक हो सकता तो सेल को डाय कर देते हैं, मीन्स मार देते हैं बाई यूजिंग एपोप्टोसिस से, प्रोग्राम सेल डेथ से। नाउ थर्ड चेक पॉइंट इज अ स्पिंडल चेक पॉइंट जो मेटाफेज में होता है, अब हम लोग वो देखते हैं। द थर्ड चेक पॉइंट इज G2M और स्पिंडल चेक पॉइंट्स, इसको M चेक पॉइंट ही बोलते हैं। अब इसको स्पिंडल चेक पॉइंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है एट द एंड ऑफ मेटाफेज। स्टार्टिंग में मैंने गलती से एनाफेज बोला था जो कि एक्चुअली में होता है मेटाफेज के एंड में, स्टार्टिंग ऑफ एनाफेज एंड एट द एंड ऑफ मेटाफेज में होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कि इन मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पर रहते हैं, मिडल में आके अरेंज हो जाते हैं एंड काइनेटोकोर्स के थ्रू, ये जो रीजन है काइनेटोकोर्स, इस काइनेटोकोर के थ्रू क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होते हैं। सो इस रीजन में, इस चेक पॉइंट में क्या चेक किया जाता है कि कहीं पर ये स्पिंडल में ब्रेकेज तो नहीं है, सारे क्रोमोसोम्स अटैच हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक कंडीशन लिए हम लोग ने कि ये वाला क्रोमोसोम्स ये काइनेटोकोर पॉइंट पर दोनों से अटैच है, सेम ये भी अटैच है, बट एट दिस पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साइड से तो अटैच है बट आगे का पार्ट ये हैंग कर रहा है, ये क्रोमोसोम्स केवल ऐसे ही हैंग कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन ना हो इसलिए ये चेक पॉइंट होते हैं। और ऐसा कहीं पर भी दिख गया, सेल को ऐसा दिख गया कि यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, तो तुरंत ही क्या होता है, देन अल्टीमेटली ए एक्टिवेशन ऑफ SAC एक्टिवेशन होता है, मीन्स स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एक्टिवेशन हो जाता है। और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल MAD1, MAD2, MAD3, MAD इज अ माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट। सो ये चेक पॉइंट के इसके तीन MAD1, MAD2, MAD3, सिमिलरली BUB1, 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 R1, BUB3, तो ये प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही SAC इन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ये तुरंत ही क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, किसको इनहिबिट कर देते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही वो इनहिबिट होता है, एनाफेज तुरंत ही क्या होता है, हॉल्ट हो जाता है। तो इस तरह से सेल साइकिल इस पोजीशन पे हॉल्ट हो जाता है। नाउ देर आर सर्टेन रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं एंड अगर ये सेल प्रॉपरली अटैच हो गया, समझ लो यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, तो सेल रुकता है और वेट करता है कि सेल आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाए, नहीं हुआ तो डिग्रेड हो जाएगा। बट अल्टीमेटली मान लो कि अगर ये हो गया, इफ स्पिंडल काइनेटोकोर अटैच टू दिस स्पिंडल फाइबर, मीन्स अब ये साइकिल कंप्लीट हो गया, सब कुछ बराबर हो गया है, सो नाउ वी हैव टू मूव इन एनाफेज। तो वो कैसे एक्टिवेशन होता है, तो क्या होता है, APC वंस रिलीव बाय इनहिबिशन। अब क्या होगा, जैसे ही ये SAC एक्टिवेशन नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये पार्ट भी इनहिबिट नहीं होगा, मींस APC एक्टिव रहेगा। तो क्या होता है, APC वंस रिलीव्ड बाय इनहिबिशन ऑफ SAC यूबीक्यूटिनेट्स टू सबस्ट्रेट साइक्लिन बी एंड सेक्यूरिन। तो ये क्या करता है, APC क्या करता है, साइक्लिन एंड सेक्यूरिन इन दोनों को ब्रेक करता है। सो सेक्यूरिन द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन अकर, तो क्या होता है यहाँ पे, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है एंड अलाउिंग सेपरेज टू क्लीव द कोहेसिन। हमने कोहेसिन पढ़ा था कि कोहेसिन क्या करता है, इस क्रोमोसोम को होल्ड करके रखता है। सो इसमें से जो सेक्यूरिन होता है उसका, सेक्यूरिन एंड साइक्लिन का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है, और प्रोटियोसोमल जब उसका डिग्रेडेशन होता है सो वहाँ से जो सेपरेज एंजाइम होता है, सेपरेज एंजाइम क्या करता है, कोहेसिन को ब्रेक करता है एंड कोहेसिन को ब्रेक होने पर नाउ इट विल बी ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो नाउ
क्रोमोसोम विल डिवाइड एंड यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। सो इस तरह से जो स्पिंडल चेक पॉइंट है ये रेगुलेट करता है कि ये एनाफेज में प्रॉपरली मूव करे या नहीं। अगर ये चेक पॉइंट नहीं होता तो क्या होता, चेक पॉइंट अगर नहीं होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती। तो ऐसा होता कि यहाँ से डिवीजन होता, इसका यहाँ पे डिवीजन होता, बट ये यहाँ पे नहीं था तो क्या होता, यहाँ पे ऐसा हो डिवाइड हो जाता, एक एक साइड में 1, 2, 3, 4 जाता है और एक में 2। सो अनइक्वल अमाउंट में डीएनए का क्या होता है, शेयरिंग होता। सो उसको अवॉइड करने के लिए ये चेक पॉइंट होता है, स्पिंडल चेक पॉइंट। नाउ यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि एनाफेज में साइक्लिन डिपेंडेंट सम रेगुलेशंस होते हैं, साइक्लिन एंड सीडीके प्रोटीन्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।